ये बात, अब अभी कोई कंट्री में मान लो कुत्ते नहीं होते होंगे, डॉग ना हो, आप यहाँ से कुत्ता एक अपने साथ लेके चले जाए वहां पर, ठीक है, कुछ कुत्ते ले जाए अपने साथ, वहां पाल ले कोई कंट्री चले जाए जहाँ कुत्ते ना होते हो, उस कंट्री में जाकर अपने कुछ कुत्तों को लेकर चले जाए अपने साथ, फैमिली अपनी फैमिली शिफ्ट की आपकी, साथ में कुछ कुत्तों को अपने साथ ले गए, तो वो इस चीज वहां पे क्या कहलाएगी। और जब भी किसी एरिया में कोई नई एग्जॉटिक स्पीसीज जाती है तो वो अपने बच्चे जल्दी जल्दी पैदा करती है या स्लो मोशन पे करती है, याद रखना, जब भी कोई पॉपुलेशन एग्जॉटिक स्पीसीज कहीं जाती है नए एरिया में, नए ज्योग्राफिकल एरिया में, एक्सेसिव ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ करती है अपने, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती है, अपनी पॉपुलेशन को आप फिर से बढ़ाने की कोशिश करती है नई जगह पर, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करती है, एक्सेसिव ग्रोथ करती है। क्यों ऐसा कर सकती है? क्योंकि उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए वहां प्रीडेटर होंगे क्या? वहां पे वो ऑर्गनिज्म भी नहीं था तो उसको मारने वाले नेचुरल प्रीडेटर वहां पर होंगे पहले से? नहीं होंगे। और नेचुरल प्रीडेटर नहीं होंगे इसलिए उसके ग्रोथ करने के चांसेस कम है या ज्यादा है? तो याद रखना, जब भी कोई नई स्पीसीज कोई नई जगह पर जाती है एक्जॉटिक स्पीसीज, तो एक्सेसिव ग्रोथ करती है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। क्यों? बिकॉज अब्सेंस ऑफ प्रीडेटर, नेचुरल प्रीडेटर, वहां पर नेचुरल प्रीडेटर उसके अब्सेंट होंगे, उसके दुश्मन पहले से वहां पर नहीं होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका 1920 की घटना है, घटना है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आपके कैक्टस की एक स्पीसीज पियर कैक्टस, ठीक है, प्रिकली पियर कैक्टस, ये स्पीसीज थी प्रिकली पियर कैक्टस, कैक्टस की एक प्लांट की स्पीसीज थी 1920 में। घटना है 1920 की, जगह का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नाम सुने ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में क्या है? कंगारू, पहचानते हो ऑस्ट्रेलिया को? वही वाला ऑस्ट्रेलिया ना, कंगारू वाला। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 1920 में, ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री में आपके एक कैक्टस की स्पीसीज ले जाकर कुछ ने लेकर गया वहां पाला, कैक्टस के प्लांट को यहां से ले गया, कोई भी इंसान ले गया होगा, लेकर गया वहां, कैक्टस पहुंचा तो वहां पे कौन सी स्पीसीज हो गई? वो एग्जॉटिक स्पीसीज हुई क्या नहीं हुई? और ऑस्ट्रेलिया में एग्जॉटिक स्पीसीज थी वो स्पीसीज। जैसे वहां पहुंची, वहां का मौसम उसको इतना पसंद आया कि देखते देखते पूरे आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर जमीन पर ये फैल गए। कितनी जमीन पर? मिलियन ऑफ हेक्टेयर जमीन पर फैल गया कैक्टस का प्लांट। मिलियन समझते हो ना? अच्छे से, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। तो मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर जमीन पर, लाखों हेक्टेयर जमीन पर ये फैल गए। कौन से प्लांट? कैक्टस के प्लांट। पूरी जमीन पे त्राहिमाम मचा दिए, लोग परेशान, पेड़ काटते जा रहे हैं, फिर पेड़ बच्चे पैदा कर दे रहा, फिर काट रहे हैं, फिर बच्चे हो जा रहे हैं, पेड़ को लोग परेशान हो गए इस पेड़ से, इतना फैल रहा था उस जगह पर, मिलियन ऑफ द हेक्टेयर जमीन पर फैल गया, खेत बर्बाद कर दिया, जंगल बर्बाद कर रहा, पूरे पेड़, यही वाला पेड़ बस लग रहा है। कहां की घटना है ये? रियल घटना है ऑस्ट्रेलिया की। कब की बात है ये? 1920 की। एक पेड़ से लाखों पेड़ हो गए, लाखों हेक्टेयर जमीन पर पेड़ हो गए, पूरा बर्बाद कर दिया वहां की फसल को, सब लोग परेशान, अलग अलग दवाई छिड़क के, अलग अलग केमिकल छिड़क के, काट के पीट के परेशान हो गए। जब कुछ ना उपाय सूझा तब ये पता लगाया गया, किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने बोला कि पेड़ कहां से आया ये पता किया जाए। जहां गए थे तो वहां आए, वहां साइंटिस्ट ने देखा कि यहां क्यों ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करता, मेरे यहां आकर क्यों कर रहा है, तो मालूम चला कि उस जगह पर, यहां पर उसके प्रीडेटर है, नेचुरल प्रीडेटर है, और वो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े यहां पर है, वो कीड़े मकोड़े कैक्टस के पेड़ को खा जाते हैं। कौन सा इंसेक्ट? मॉथ, MOTH। ये एक इंसेक्ट है, सुना ही होगा आपने, बहुत बार नाम सुना होगा इसका, मॉथ। ये एक इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट किसको खाता है? कैक्टस के प्लांट के लिए प्रीडेटर की तरह काम करता है, उसको खा जाता है। तब साइंटिस्टों के दिमाग में उपाय आया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे जमीन को बचाए, वरना ये अभी तो मिलियन ऑफ हेक्टेयर जमीन हुई है, उस समय पूरा ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस ही होता था बस, और कुछ होता ही ना, कैसे इसको रोके? तो उन्होंने इस इंसेक्ट को वहां से लेकर गए, अब इस इंसेक्ट को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, इसको भी पाल लिया वहां पर। ये इंसेक्ट जब वहां पलाया तो इस इंसेक्ट ने वहां पर जाकर सारे कैक्टस के प्लांट्स को एक शिकार कर दिया, प्रेडेटर की तरह काम किया, और वहां उनकी स्पीसीज को कंट्रोल कर दिया, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर दिया। इस तरह इस कंट्रोल को कौन सा कंट्रोल कहेंगे? जहां पर लिविंग ऑर्गनिज का यूज किया गया दूसरे लिविंग ऑर्गनिज की ग्रोथ को रोकने के लिए, मारने के लिए, इस तरह के कंट्रोल को कौन सा कंट्रोल होता है? बायो कंट्रोल, पढ़ा चुके हैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, बायो कंट्रोल। ये क्या कहलाएगा?
एक स्पीसीज एक ऑर्गनिज को यूज करके दूसरे ऑर्गनिज को रोक दिया, दूसरे ऑर्गनिज को मार दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो कंट्रोल किया गया, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में किसको यूज किया गया था? मॉथ को। मॉथ क्या है? एक इंसेक्ट है। किस लिए यूज किया था? कैक्टस के प्लांट्स को रोकने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। कब की घटना है? 1920 की। कैक्टस का भी स्पीसीज का नाम है प्रिकली पियर कैक्टस, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रिकली पियर कैक्टस। हॉवोक मतलब होता है बहुत ज्यादा बर्बादी। आपका ये वर्ड देखो, नया सा वर्ड दिख रहा है HAVOC। हैवोक मतलब होता है बहुत ज्यादा बर्बादी, ड्रास्टिक, बहुत बड़े लेवल पर बर्बादी मचाई थी उसने। कौन ने रोका? कैक्टस ब्रीडिंग प्रेडेटर था जिसका नाम था मॉथ, और इस मॉथ ने आपको रोक दिया। मॉथ बनकर आ गया उसकी। किसकी मॉथ बनकर आया? कैक्टस की। कैक्टस ईटिंग प्रेडेटर है ये, कैक्टस कैक्टस के पेड़ को खा जाता है। दूसरी चीज, जब भी एक बात याद रखिएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल के फायदे आपको पढ़ा चुके हैं उस चैप्टर में, भी नहीं पढ़े हो तो यहां दोबारा पढ़ लें। जब भी बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है तो क्या वो ऑर्गनिज का नामो निशान मार, नामो निशान से मिटा देता है प्रे को? क्या पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर देता है प्रेडेटर? नहीं, नहीं करता। जबकि कोई केमिकल से आप मारते, कोई पेस्टिसाइड से मारते, कोई केमिकल की मदद से मारते तो पूरी तरह से उसका अस्तित्व मिट जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है वो स्पीसीज। लेकिन जब प्रेडेटर मारते हैं प्रे को तो पूरी तरह से नहीं मारते, कुछ स्पीसीज उनकी छोड़ देते हैं और इसकी वजह से वो पूरे से एक्सटिंक्ट हो पाते हैं क्या? तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती कि नहीं रहती? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती कि नहीं रहती? रहती है। पूरी तरह से धरती से ऑर्गेनिज एक्सटिंक्ट नहीं कर पाएगा। प्रेडेटर और आपके, प्रेडेटर और प्रे एक दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए, प्रे अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, प्रेडेटर उनको मारने की नई टेक्निक डेवलप करते हैं, मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, और इनके पीछे कंपटीशन चलता रहता है और ये अपने आप को बदलाव करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, एक से एक अच्छी मैकेनिज्म डेवलप करते रहते हैं। क्योंकि अगर प्रेडेटर ज्यादा एडवांस हो जाएगा, प्रेडेटर शिकारी बहुत एडवांस हो गया, इतना एडवांस हो गया कि सारे शिकार को मार देता है जान से, तो प्रे का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, प्रे खत्म हो जाएंगे। और अगर प्रे इतना एडवांस हो जाता है कि प्रेडेटर से बच जाता है, हर बार बच जाता है, तो प्रे को मार ही नहीं पाएगा प्रेडेटर, इतना साथी रहे प्रे, तो प्रेडेटर मर जाएंगे भूख के मारे। समझ हमारी बात? शेर और लायन, लायन और टाइगर, डियर को ही देख लो। अगर डियर इतनी होशियार हो जाए, भागने में इतनी एक्सपर्ट हो जाए कि हमेशा भाग जाए, कभी शेर उसको पकड़ ही ना पाए, तो शेर भूख के मारे क्या होगा? मर जाएगा। अगर लायन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इतना ज्यादा होशियार हो जाए कि हमेशा कोई भी डियर हो हमेशा पकड़ ले तो डियर कम हो जाएंगी। इसलिए इनके पीछे बैलेंस जरूरी है। समझ में आ रहा? और इसके लिए दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और प्रेडेटर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि प्रे को पकड़कर अपने आप को बचा ले, भूखो ना मरे। इससे दोनों में नई नई मैकेनिज्म डेवलप होती रहती है। प्रेडेटर प्रे को पकड़ने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करता है और प्रे अपने आप को बचाने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करता है। कुछ मैकेनिज्म के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। नंबर वन, कुछ इंसेक्ट जो है, कीड़े मकोड़े, फ्रॉग जो है, किसमें देखने मिलती है टेक्निक? इंसेक्ट में और फ्रॉग में। इंसेक्ट और एंड फ्रॉग, कुछ फ्रॉग और कुछ इंसेक्ट अपने स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं। कैसा हो जाते हैं? बैकग्राउंड कलर के। मान लो यहां पर बैठे हुए हैं तो बैकग्राउंड का कलर जो है, उनके आसपास के सराउंडिंग कलर जो है, उससे मैच करता हुआ कलर ले लेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड पे है तो लाइट कलर के हो जाएंगे। लाइट पे लाइट कलर की चीज दिखेगी क्या? कोई व्हाइट कलर के बोर्ड, ये व्हाइट कलर का बोर्ड है, अगर व्हाइट मार्कर से कुछ लिखेंगे तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। या ब्लैक मार्कर, ब्लैक बोर्ड होता तो ब्लैक कलर के मार्कर से लिखे दिखता क्या अच्छे से, क्लियर दिखता? नहीं दिखता। वैसे ही अगर काले रंग की दीवार है ये, इसमें काले रंग का इंसेक्ट बैठा हुआ है तो क्लियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए अपने प्रे अपने आप में क्या कर लेते हैं? अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टिकली कलर, क्रिप्टिकली कलर मतलब फॉल्स कलर कह सकते हैं इसको। अपने बॉडी कलर चेंज कर लेते हैं, क्रिप्टली कलर्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कॉमोफ्लैश्ड भी बोलते हैं। कॉमोफ्लैश्ड या क्रिप्टली कलर्ड बोले, दोनों एक ही चीज है। बॉडी का कलर चेंज करना, कौन चेंज करेगा कलर? प्रे। किससे क्यों करेगा कलर चेंज? प्रेडेटर से बचने के लिए, डिसअपियर होने के लिए, जिससे वो दिखाई ना दे ढंग से, दूर से विजुअलाइज ना हो,
इसके लिए प्रे अपने बॉडी कलर चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिप्टिली कलर्ड, क्रिप्टिकली कलर्ड या कॉमोफ्लैज, कॉमोफ्लैज नीचे की लोस्ट सेकंड लाइन है, जिससे वो आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए, डिटेक्ट ना कर पाए प्रेडेटर उनको। पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म ध्यान से समझना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट यहां की। वो अपने शरीर में कुछ पॉइजन बना लेते हैं, कुछ पॉइजन बना लेते हैं जिससे उनको खाने के लिए इंसेक्ट उनको 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 प्रेडेटर उनको ना खाएं, छोड़ दे, उनके शरीर में कुछ जहर बना लेते हैं, पॉइजन पॉइजनस केमिकल बना लेते हैं, अपने बॉडी का टेस्ट गंदा कर लेते हैं, इतना गंदा टेस्ट कर लेते हैं अपने बॉडी का कि कोई इनको खाए ही ना, कोई खाए एक बार खाए कभी ना खाए, हाँ जी ललचाए नहीं, एक बार खाए तो फिर कभी ना मन करे खाने का, इतना गंदा टेस्ट कर लेते अपने बॉडी का। ये कैसे कर पाते हैं, सोचने सुनने तो बड़ा अच्छा लग रहा है कर लेंगे, चलो हमको शेर से बचना है कि शेर हमको ना खाए, सपोज शेर सबको खा रहा है, हम सोच रहे हैं हमको ना खाए, अपने बॉडी का टेस्ट इतना गंदा कर लेंगे कि टेस्ट को उसको टेस्ट पसंद ही ना आए मेरे बॉडी का, शेर को खाए ही ना शेर, ठीक है। अब ऐसा कैसे कर पाएंगे सोचो, क्या हमारे हाथ पे है, है। क्या करते हैं इंसेक्ट, ये इंसेक्ट करते ये है कि जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं, कैटरपिलर स्टेज में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब ये जहरीली जहरीली पॉइजनस वीड को खाते हैं, जो खाना खाते हैं भूख लगती है इंसेक्ट को, पेड़ पौधे खाते हैं ना, कौन से पेड़ खाते हैं, पॉइजनस वीड को खाते हैं, और पॉइजनस वीड को खाते हैं कैटरपिलर स्टेज में, इसलिए इनकी बॉडी में पॉइजनस केमिकल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, और उन पॉइजनस केमिकल की वजह से उनका बॉडी का टेस्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उनके बॉडी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, और टेस्ट चेंज होने की वजह से ये आप इनको शिकारी है वो स्मेल कर लेंगे, गंदी सी स्मेल आ रही है, जहरीली स्मेल आ रही है, इसको नहीं खाना है, समझ वाली बात। क्यों, कैसे बच लिया अपने आप को, उन्होंने बचपन में कड़ल प्लेयर स्टेज में क्या खाया, पेट भर भर के खाई जहरीली घास, पॉइजनस वीड खाया, और पॉइजनस वीड खाने की वजह से उनके बॉडी में कई तरह के पॉइजनस केमिकल बन गए। जैसा आप खाना खाओगे वैसे आपके बॉडी में एनर्जी बनेगी ना, आपने बचपन से नीम का जूस ही पिया, बस नीम का जूस, खाना खाना बंद कर दे, कुछ नहीं खा रहे हो, सिर्फ नीम ही नीम खा रहे हो, तो आपके बॉडी में कड़वा कड़वा वाला केमिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो वैसे ही हालत है, उसने बचपन में क्या खाया कटर स्टेज में, पॉइजनस वीड खाया, और उसके बॉडी का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया, उसके बॉडी का टेस्ट चेंज हो गया, कुछ पॉइजनस केमिकल बन गए जिससे उसके प्रेडेटर उसको नहीं खा रहे, बचने के लिए उसने इतना उपाय कर लिया। ऐसा किसमें देखने मिलता है, मोनार्क बटरफ्लाई में देखने मिलता है, मोनार्क बटरफ्लाई ये ऐसा ही करती है अपने पक्षियों से बचने के लिए, बर्ड से बचने के लिए, मोनार्क बटरफ्लाई जो है बर्ड से बचने के लिए क्या करती है, अपने शरीर में कुछ अपने बॉडी का टेस्ट को क्या कर लेती है, डिस्टेस्ट कर लेती है, गंदा टेस्ट कर लेती है, और ऐसा कैसे कर पाती है, कैटरपिलर स्टेज में मोनार्क बटरफ्लाई क्या खाती है, सिर्फ पॉइजनस वीड खाती है, जिससे उसके बॉडी में गंदे गंदे केमिकल बन जाते हैं, पॉइजनस केमिकल, और उसके बॉडी का टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है, कोई नहीं खाएगा, इतना गंदा फेंकने लायक। आप जितने भी हर्बीवोरस को जानते हो उनमें से 25% हर्बीवोरस कौन है, इंसेक्ट, प्लांट्स को खाने वाले मैक्सिमम कौन खाते हैं, हर्बीवोरस कौन है, इंसेक्ट, 25% इंसेक्ट का कंट्रीब्यूशन है, और ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट को खाते हैं उनको क्या नाम से जानते हैं, प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट को बोलते हैं फाइटोफैगस, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और फैगोसाइटोसिस का मतलब, फैगो मतलब ईटिंग, पढ़े होंगे फैगो मींस ईटिंग, तो फाइटोफैगस, फाइटो मींस प्लांट और फैगस मींस ईटिंग, प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट को फाइटोफैगस के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे फाइटोफैगस क्या है, प्लांट ईटिंग इंसेक्ट, पेड़ों को खाने वाले इंसेक्ट को किस नाम से जानते हैं, फाइटोफैगस के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछे फाइटोफैगस, फाइटोफैगस तो वो क्या होगा, फाइटोफैगस कुछ और नहीं है, प्लांट ईटिंग इंसेक्ट, चलेगा। कितने परसेंट फाइटोफैगस है धरती पर, 25% है, जितने भी अर्थ में हर्बी, आपके जितने भी हर्बी बोरस है उनमें 25% यही है। अगला लाइन ध्यान समझेंगे, प्लांट को खाने वाले बहुत सारे दुश्मन घूम रहे हैं चारों तरफ, हर्बी बोरस जितने ऑर्गेनिज्म है सब प्लांट पे ही अटैक करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, जितने हर्बी बोरस वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, जो भी हर्बी बोरस ऑर्गेनिज्म किस पर अटैक करते हैं, प्लांट पे। एनिमल्स पर अटैक तो सामान्य समझ में आ रहा था, जब एनिमल पर अटैक कर रहा था शेर, तो हिरन क्या कर रही थी अपने को बचाने के लिए, भाग जा रही थी,
अब प्लांट क्या करेंगे बेचारे, प्लांट भागेंगे। जैसे आप दौड़ोगी, प्लांट का पेड़ देखिए, आम का पेड़, दौड़ी आम के पेड़ पास, आम का पेड़ दौड़ना शुरू, मुझे कोई खाने आ रहा, भागो। पेड़ आगे आगे भाग रहा है, आप पीछे पीछे दौड़ रही हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, अब पेड़ तो दौड़ने खाने के लिए जाती हो, पेड़ समझ जाता है, कह रही मुझे खाने आ रही है, भागो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है पेड़ के लिए? बेचारा पेड़ अपना चुपचाप से खड़ा रहता है, आ जाओ मुझे खा लो, मार दो मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो प्लांट्स रन अवे नहीं करते, भागते नहीं है। और प्लांट्स रन अवे नहीं करते, भागते नहीं है, इस वजह से प्लांट भागते नहीं है, इस वजह से प्लांट को ज्यादा शिकारी शिकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ज्यादा मार सकते, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब कर सकते हैं तो प्लांट्स को कुछ ना कुछ तो करना होगा अपनी रक्षा के लिए, भाग तो नहीं सकता, कुछ और करेगा बचने के लिए। वो क्या कर सकते हैं प्लांट अपने आप को बचाने के लिए? दो तरह के चेंजेस करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली चेंज और केमिकली चेंज। दो तरह के चेंजेस देखने मिलते हैं, या तो वो अपनी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज कर लेते हैं, या अपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज कर लेते हैं। ये दो तरह के चेंजेस आपको देखने मिलेंगे जब भी कोई प्लांट अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो दो तरह के चेंजेस कर लेगा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। कौन कौन से चेंज? मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल। मॉर्फोलॉजिकल चेंज की बात करें, आपने कभी एक पेड़ लगा हुआ था, जो आता था उसको खा जाता था, गाय आई खा के चली गई, भैंस आई खा के चली गई, बकरी आई खा, कोई यो आ गई जिसको खा के चला जाता था, ह्यूमन आकर कटोरे खा जाता था, कोई नहीं तो आप बगल में से घूमते हुए निकले और ऐसे पेड़ की पत्ती तोड़ के फेंक दिए वहीं पे। इंसानों की बहुत सारे लोगों की आदत होती है, आप में से भी होगी, चलते चलते एक दो पत्ती पेड़ तोड़ते हुए चले जाते हैं। सब लोग उसको बेचारे को परेशान कर रहा था, परेशान हो गया, उसने डिसाइड किया, रुक जाओ बताते हैं तुमको। उसने अपने शरीर पे कांटे निकाल लिए, बहुत सारे स्पाइन निकाल लिए। आप बताओ, आप घूमते हुए चलते हुए जाओगे कांटे वाले पेड़ पास, पकड़ के तोड़ते हुए चले जाते हो क्या? करना कभी देखना क्या होगा उसके बाद, ऐसे पकड़ के पत्ती तोड़ देते हो जैसे सब पेड़ों की, फिर कांटे वाले पेड़ की पत्ती तोड़ के देखना, फिर मजा आएगा क्या होगा। गाय भैंस बकरी, गाय भैंस आके उसको खाएगी क्या? बकरी तो खा लेगी, गाय भैंस आके खाएगी क्या? जनरली सारे ऑर्गनिधारी वर्ड्स उसको नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खा रहे हैं? कांटे निकले हुए उसकी बॉडी पे, कांटे निकलने की वजह से उसने अपने को बचा लिया कि नहीं बचा लिया? डिफेंस, अपने डिफेंस में उसने क्या पैदा कर लिए? स्पाइन पैदा कर लिए। खास तौर से डिजर्ट एरिया में रहने वाले एनिमल्स ऐसा करते हैं, प्लांट ऐसा करते हैं। जो प्लांट्स डिजर्ट एरिया में रहते हैं, सूखे मरुस्थल में, वहां पे गिन चुन के प्लांट बचे हैं। क्यों बचे वो प्लांट? हमने आपको कहानी सुनाई थी थोड़ी देर पहले, वो हर्बीवोरस ऑर्गनिज्म जो वहां बचे हुए थे, सब पेड़ों को खा रहे थे, सब पेड़ मरने लगे थे क्योंकि हर्बीवोरस ज्यादा हो गए थे। सिर्फ रेगिस्तान में कौन से पेड़ बचे जिन्होंने अपने आप में कांटे निकाल लिए अपने प्लांट की बॉडी में? कांटे होने की वजह से उनको नहीं खा पाए हर्बीवोरस, इसलिए प्लांट बच गए, वरना तो वो भी मर जाते। समझ मारी बात? तो हर्बीवोरस प्लांट्स, हर्बीवोरस ऑर्गनिज्म से बचने के लिए प्लांट ने क्या कर लिया? अपने बॉडी पे कांटे निकाल लिए, स्पाइन निकाल लिए। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। किस प्लांट में देखने मिलते हैं कांटे? कुछ प्लांट के नाम है अकेसिया, कैक्टस, देखा है कैक्टस के प्लांट में? तो कैक्टस और अकेसिया, ये एग्जांपल आपकी बुक ने दो दिए हुए, होने को बहुत सारे प्लांट है जिनमें कांटे होते हैं। कैक्टस और अकेसिया के प्लांट में जो स्पाइन है, थ्रोन है, वो थ्रोन किस लिए है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से बचने के लिए है, बचा लेते हैं उनको। कई सारे एनिमल्स, कई सारे प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए कई तरह के केमिकल चेंज करते हैं। आपने कभी किसी पेड़ की पत्ती तोड़ी है जिसको तोड़ते ही आपके दूध निकलता है, उससे व्हाइट व्हाइट कलर का मिल्क निकलने लगता है, मिल्की सिक्रीशन होने लगता है। उस मिल्की सिक्रीशन क्या कहते हैं? पेड़ के पत्तियों को तोड़ने से दूध जैसा जो निकलने लगता है व्हाइट व्हाइट कलर का, उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स। क्या देखना, लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लेटेक्स जो निकलने लगता है, मिल्की सब्सटेंस, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस लेटेक्स के नाम से जानते हैं, ये लेटेक्स कुछ और नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए पैदा किया गया एक केमिकल है। जैसे पेड़ को कोई खाने आता है, एक बाइट खाता है, उसके पूरे मुंह में दूध ही दूध भर जाता है, चिपचिपा लगता है, अजीब सा टेस्ट आता है, गंदा सा टेस्ट आता है, उसे सोचता क्या खा लिया मैंने, भागो भागो करके भाग जाता है, तुरंत भागता है वो जानवर से। उसको और खाएगा क्या उस पेड़ को? नहीं खाएगा, बोलेगा क्या खा लिए गलती से, मेरा दिन खराब हो गया, किसका मुंह देख के आए थे। फिर नहीं खाएगा उस पेड़ को, बच गया कि बेच गया वो पेड़, किसकी वजह से बच गया? बोले टैक्स की वजह से। कुछ केमिकल प्लांट ऐसे होते हैं अपने बॉडी पे ऐसे जहरीले केमिकल बनाते हैं कि अगर कोई एनिमल उसको खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, सिक हो जाएगा, खाते ही बीमार हो जाएगा। कुछ प्लांट में ऐसे केमिकल होते हैं कि प्लांट को अगर एनिमल खाए तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देंगे, किसका? खाने वाले का, प्रेडेटर का।
डाइजेशन सिस्टम ही खराब कर देंगे उसका। कुछ तो ऐसे होते हैं कि उसको मार तक देंगे, जान से मार देंगे, समझ में आ रहा। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं उनके बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, अगर उसको कोई एनिमल कोई खाया पेटर तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर देंगे, बच्चा पैदा नहीं कर पाया उसको, वो तो अपना खा लिया पेट भर गया लेकिन अब बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा वो प्रेडेटर। इस डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं प्लांट प्रेडेटर से बचने के लिए। वो केमिकल्स क्या क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को खराब कर सकते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर सकते हैं, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकते हैं, उसके टेस्ट को खराब कर सकते हैं, उसको सिकनेस दे सकते हैं। इस तरह कई डिफरेंट तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं प्लांट, और इन केमिकल के थ्रू क्यों कर रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है उनकी, अपने आप को बचाव है दूसरे एनिमल से बचने के लिए, वो डिफेंस मैकेनिज्म है उनकी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, एक प्लांट का नाम है कैलोट्रोपिस, आपने सुना होगा देखा भी होगा, बहुत कॉमन प्लांट है ये। कैलोट्रोपिस के प्लांट को किसी गाय भैंस बकरी को खिलाकर देखना, कोई नहीं खाता उस पेड़ को। कैलोट्रोपिस के प्लांट को किसी भी हर्बीवोरस को खिलाना, कोई नहीं खाता, ठीक है, कोई कटल्स उसको छूते भी नहीं है। क्यों नहीं छूते, क्यों नहीं खाते, क्योंकि कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर जहरीला केमिकल बनता है, उस जहरीले केमिकल का, टॉक्सिक केमिकल का नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कौन सा ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का केमिकल बनता है, किसके अंदर बनता है, आपके कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट के अंदर। प्लांट का नाम है कैलोट्रोपिस, कॉमन प्लांट देख जानते होंगे आप, मराठी में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, गूगल पे कैलोट्रोपिस डालेंगे पेड़ का फोटो आ जाएगा, शायद उसका उसका फूल से शंकर भगवान को चढ़ाते भी हैं आप लोग। तो कैलोट्रोपिस प्लांट आपको इजिली मिल जाएगा, नेट पे आप लोग देखे होंगे, आपके आसपास कॉमन प्लांट है। उस कैलोट्रोपिस प्लांट की पत्तियों को कोई भी जानवर नहीं खाते, कटल्स नहीं खाते, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, पॉइजनस केमिकल है। कौन सा केमिकल है, पॉइजनस केमिकल का नाम कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का केमिकल है। इस वजह से कोई भी कटल्स उसको खाना पसंद नहीं करते, और इसी कारण कैलोट्रोपिस प्लांट बहुत आसानी से आपको कॉमन देखने मिलता, बीड है वो, बिना उगाए कहीं पे भी दिख जाता है, क्योंकि उसको कोई खाता ही नहीं है, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा करता है, ठीक है। बहुत जहरीला केमिकल है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसीलिए कोई कटल्स, कोई भी गॉट वगैरह, बकरी वगैरह कभी खाते हुए आपने ये प्लांट को नहीं देखा होगा। लास्ट लाइन, प्लांट अपने डिफेंस के लिए कई तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। इन केमिकल्स को ध्यान समझना, मेटाबोलाइट्स का नाम समझ सुनते हैं, सुने कभी, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले केमिकल्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। रिपीट करते हैं, मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म सब लोग जानते हैं, तो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिज्म नाम की प्रोसेस चलती है, और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो केमिकल बनते हैं उन केमिकल को क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उस प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल है, मेन केमिकल, उनको किसमें रखेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो अदर एक्टिविटी के लिए प्लांट बनाता है, ग्रोथ